दोस्तों आओ जरा देखो। क्या तुम्हें लगता कि गाड़ी के आसपास कोई नहीं है? तीन नकाब वाले आदमी उस गाड़ी की पूरी रात पहरेदारी करते हैं। गाड़ी के चारों तरफ बाल जितने पतले धागे हैं वो सभी तारों के जाल से जुड़ते हैं। अगर करीब जाओगे तो बदन छन्नी हो जाएगा। आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? मुझे एक खत मिला है कबूतर से। वो साबित करता है कि तुम दोनों निर्दोष हो। तुम दोनों जिन के आदमी नहीं हो। तो मेरी रिहाई का कारण ये खत है? मैंने सुना है कि तुम गोल्ड शील्ड कांस्टेबल बनने का सपना देखते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ग्रेड वन का सिपाही बना सकता हूं। मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। मैं आपकी जगह लूंगा और कप्तान बनूंगा। बहुत महत्वाकांक्षी हो। मुझे खुशी होगी अगर तुम जिन बोर को पकड़ लोगे और तुम कामयाब होते हो तो मैं तुम मैं अपनी जगह सौंप दूंगा। और हमारा क्या? अगर मैंने उन्हें पकड़ लिया तो इनाम इनके पास जाएगा। जरूर। एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। एक से तीन के बीच आ सकता है। नीलामी के बाद हमें अपने सभी दुश्मनों को बाहर निकालना होगा। उसके बाद हम ट्रेजर इन में रुकेंगे। रेड ड्रैगन और उसके गैंग को अंदर नहीं आने देंगे। और साथ ही ज्यादा सैनिकों के लिए झूम मेरा मेडल शाहिन गुआन ले जाएगा। क्या बाहर जाना बहुत खतरनाक नहीं है? खतरों से खेलना हमारा काम है। सर मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं कर लूंगा। चल। सुनो, यहाँ चारों ओर दलदल है। यहाँ चलना खतरनाक होगा। बेहतर होगा कि तुम वापस चले जाओ। चलो। मैंने तुमसे कहा था कि चारों ओर दलदल है। मजे करो अब तुम।
आ जा। अरे जल्दी करो मिस्टर ट्यूडर, आप ठीक तो है? ये बहुत डरावना है, मैंने इस तरह का भयंकर बवंडर आज से पहले कभी नहीं देखा था। आपने बवंडर का सामना किया? बहुत खतरनाक था वो, तो हमारी किस्मत अच्छी थी और हम वहाँ से भाग निकले। मैंने कुछ व्यापारियों को देखा जो भागने में नाकामयाब रहे और वो ऊँटों के साथ ही खत्म हो गए। अब कोई नहीं जानता कि वो कहाँ होंगे। सच कहता हूँ बहुत ही खतरनाक था। अगर बवंडर यहाँ आ जाए तो क्या ये इमारत ऐसे ही खड़ी रह पाएगी क्या? चिंता मत करो, ट्रेजर इनको स्टील के ढेर से बनाया गया था। जमीन के नीचे 5 मीटर की गहराई में बिठाया गया था। ऊपर वो जो लकड़ा है ना, हर एक को 12 कॉपर के किलो से टाइट किया गया था। ये बड़े तूफान और बवंडर का सामना कर सकता है। ए, वक्त बर्बाद मत करो, नीलामी कब शुरू करने वाले हो ये बताओ। पिछले साल की तरह रात 9 बजे शुरू होगी। लालन, इन सबको अच्छे मदिरा पिलाओ, हर एक को, और खर्चा हम देंगे। चलो जरा नीचे जाकर देखते हैं। सुनो, ये लोग गुंडे हैं, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। तुम 3 तक गिनो, मैं उन्हें सबक सिखा दूंगा। क्या तुम कर सकते हो? 1, 2, 3 बाहर में जाओ। मैं तुम्हें बाद में मारूंगा। मुझे थोड़ा पानी पीना है। हटो, मुझे पानी पीना है। सुनो, तुम जैसे पहलवानों को बेसमेंट में किसने रखा है? शक्ल सूरत देखकर किसी के बारे में राय बनाना गलत बात है। ये चारों शाओलिन मंदिर के कॉपर मैन थे। औलादी शरीर है, कोई हथियार इन पर काम नहीं करता। मंदिर के नियम तोड़ने की वजह से इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। लिंगलोंग जानती है कि नीलामी में गड़बड़ी हो सकती है, इसके लिए इन्हें यहाँ पर रखा गया है। पहरेदारी की जिम्मेदारी मेरी है। अरे, क्योंकि हम दोस्त हैं, तो हमें अकेला छोड़ दो। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो मुझे माफ करना। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारा और इसका कोई मुकाबला नहीं है। वो इसके लिए जिम्मेदार है, हम भी तो अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं जा सकते। चलो।
अरे मैंने ये सारी पेन एक्यूपंचर पॉइंट्स पर ही मारी हैं। ये सेहत के लिए अच्छी हैं, इसलिए परेशान मत हो। अरे तुम इसे मार नहीं सकते। मैं ये नहीं कर सकता, लगता है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। रुक जाओ। ये तो मीठा है, एक मर्द के पास दूध कहाँ से आया? ओ नहीं, बिल्कुल सही कहा, ये मेरा खास हथियार है और इसका नाम है खेल खत्म हुआ। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। वो इसके लिए जिम्मेदार है, हम भी तो अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं जा सकते। चलो अरे मैंने ये सारी पेन एक्यूपंचर पॉइंट्स पर ही मारी हैं, ये सेहत के लिए अच्छी हैं, इसलिए परेशान मत हो। अरे तुम इसे मार नहीं सकते। मैं ये नहीं कर सकता, लगता है मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। रुक जाओ। ये तो मीठा है, एक मर्द के पास दूध कहाँ से आया? ओ नहीं, बिल्कुल सही कहा, ये मेरा खास हथियार है और इसका नाम है खेल खत्म हुआ। मैं वादा खिलाफी नहीं कर सकता। अपने आप को बचाओ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। सीधे खड़ी रहो। मेरे प्यारे मित्रों, नीलामी शुरू हो रही है, अब तुम अपने खजाने को मंच पर ला सकते हो। ये लोंग कौन तलवार है? ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली तलवार है।
रे कीमत 30,000 टेल चांदी है। ये सम्राट द्वारा जनरल को दिया गया खजाना है। रेशम पे जरी का काम, पहनने वाले पर आग और हथियार बेअसर होंगे। आ जाओ सामने, फाड़ में जाए तुम्हारा शावर। हमसे पंगा लेने की कोशिश मत करना। उनके बारे में भूल जाओ। अरे रे, तुम्हारे पति ने तुम्हें अकेला ही छोड़ दिया। जाने दो उसे। मैं एक डाकू हो सकता हूं, पर अपने आदमियों को बलात्कार करने की छूट नहीं दे सकता। तुम उसकी जान ले सकते हो, लेकिन इज्जत के साथ खेलने नहीं दूंगा। इसे भूल जाओ, हम एक परिवार की तरह हैं। तुम्हारी हालत बहुत नाजुक है। मुझ पर जहरीले हथियार से वार किया, पर उससे पहले ये एंटीडोट्स ले लिए थे, लेकिन इसके बाद भी मैं 2 हफ्ते के लिए अंधा हो जाऊंगा। इसकी हालत कैसी है? मैंने अपने हाथों से उसके घावों को चेक किया है, पर किस्मत से अभी तक वो बची हुई है और गंभीर चोट नहीं आई। घाव गहरा नहीं है, आराम से इलाज हो सकता है, लेकिन उसका खून बहुत बह रहा है, इसलिए उसे टांके लगाने होंगे और उसके बाद 4 मुख्य पॉइंट्स का एक्यूपेंचर। उसे टांके कौन लगाएगा? तुम। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम बस वो करते जाना जो मैं तुमसे कहूं। मैं कैसे करूंगा? घबराओ मत, तुम कर सकते हो, तुम एक मर्द हो। लिंगलोंग को ठीक करने के लिए तुम्हें उसे छूना पड़ेगा, पर उसके बाद वो किसी और से शादी नहीं कर पाएगी, इसलिए किसी ऐसे आदमी को आगे आना पड़ेगा जिसे वो पसंद करती हो, और वो तुम्हें पसंद करती है। तुम उसे मरने दोगे क्या? hey, बस करो, मेरी बहन को ये पता नहीं चलना चाहिए। तुमने कुछ तय किया? सुबह होने वाली है। सही कहा, हमें कुछ ना कुछ तो तय करना ही होगा। हम ऐसे हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे तो क्या होगा? मैं सो
कोई हथियार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे तुम पर दया आ रही है। ये अजीब है, तुम मरी क्यों नहीं? मैं तुम्हें मारने के लिए ही जिंदा हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मोहतरमा, पश्चाताप करो और सुधर जाओ। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तुम उनका ध्यान बटाओ। आज के लिए इतना ही, चलो चले। लॉन्गवान स्वॉर्ड। बेशक, मैं किसी भी मौके से कोई अच्छी चीज उठा लेती हूँ। ये मेरे दादाजी ने सिखाया है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के पास भेज देता हूँ। हमसे चालाकी। छोड़ो मुझे। हाँ।
मैंने देखा तुम्हारे पैर मजबूत नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैर पे वार किया। कोई हथियार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे तुम पर दया आ रही है। ये अजीब है, तुम मरी क्यों नहीं? मैं तुम्हें मारने के लिए ही जिंदा हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मोहतरमा, पश्चाताप करो और सुधर जाओ। ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। तुम उनका ध्यान बटाओ। आज के लिए इतना ही, चलो चले। लॉन्गवान स्वॉर्ड। बेशक, मैं किसी भी मौके से कोई अच्छी चीज उठा लेती हूँ। ये मेरे दादाजी ने सिखाया है। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे दादाजी के पास भेज देता हूँ। हम इसे ढाल की तरह इस्तेमाल करेंगे। सबको चला दूंगा। हे, इससे मेरे लिए एक कमीज बना देना। मुझे एक पोशाक बनाना है। अच्छा ठीक है।
तुम्हारे दादाजी सही हैं, रफ्तार कुंग फू की सार है, पर मेरी तलवार तुमसे भी ज्यादा तेज है। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं रसोईया था, तुमसे 10 गुना तेज चाकू चलाता था। अब ज्यादा देर झूठ नहीं बोलूंगा। 4 घंटे पहले ही मैंने दवा खा ली थी जिससे मेरी आंखें ठीक हो गई। झूठ बोलने के लिए माफी चाहता हूं। हिलना मत। यह एक्यूपंचर का इलाज है, तुम ज्यादा हिल नहीं सकते।
अब हम क्या करें? दरवाजा टूट रहा है, हमें आखिर तक बचना है। बवंडर आएगा और सब मारे जाएंगे। हम जाके नीचे छिप जाते हैं, क्या कहते हो तुम लोग? तूफान खत्म होने के बाद जब वो तहखाने में आग लगा देंगे तो हम सब जलकर राख हो जाएंगे। तुम्हारे पास कोई और तरकीब है? छत पर तीन जगह हैं। अगर हम तीनों ऊपर जाकर छत को उड़ा दें तो तूफान सब कुछ अपने साथ दूर लेकर चला जाएगा। लेकिन हम तीनों की मौत हो जाएगी। खंबे पर तीन चेन्स हैं। अगर हम अपने आप को चेन से बांध लें तो हमारे पास एक मौका होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बम अपने साथ ले लो। ठीक है, मैं भी चलूंगा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। सुनो, तुम इसका ध्यान रखना। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो देखो, ऊपर कोई तो है। कौन हो तुम लोग? जाओ, सफेद देवता की मूर्ति के साथ नरक में जाओ। आग लगाओ, मार डालो उन्हें।
मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, कुछ भी हो हिम्मत मत हारना। उन्होंने मुझे प्रेम का सार बताया। प्रेम का दूसरा नाम त्याग होता है। जैसा त्याग उन दोनों ने किया, वो दोनों जीत गए। मैं जिस औरत के प्यार में पड़ा था वो मेरा भ्रम था, लेकिन जो मेरी बाहों में है वो मेरी सच्ची मोहब्बत है। ब्रेड का सपना सच हो गया। उसकी एक दुकान है, वो महिलाओं की प्लास्टिक सर्जरी करता है और पुरुषों की नपुंसकता ठीक करता है। उसकी जिंदगी काफी अच्छे से चल रही है। उसने खुद की नपुंसकता दूर करके काफी सारे बच्चे भी पैदा कर लिए और अपनी बीवी को खूबसूरत बना लिया। कब से तुम खाना बना रही हो? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और बच्चे भी कब से भूखे हैं और मुझे भी भूख लग रही है। बेहतर होगा कि तुम पहले बच्चों को दूध पिलाओ। मजाक कर रही हो क्या? मैं इसे कब से पिला रहा हूँ, तुम देख सकती हो। मुझे अब दर्द भी होने लगा है। मछली आ रही है, मारना। मुझे माफ करना। आप लोग